नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुरू करता हूँ स्पेस की खबरों से। नासा के नेक्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी नासाज नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम के लिए 6 से अधिक कंपनी पार्टनर बनना चाहती है। नेक्स्ट स्टेप 2016 से ही बिग्लो जैसी और अदर 5 कंपनीज को फंडिंग कर रही थी। नासा बिग्लो एयरोस्पेस कंपनी की मैसिव मार्स ट्रांसपोर्टर BA-330 स्पेस हैबिटेट को ग्राउंड टेस्ट कर रही है सारी एस्ट्रोनॉट जर्नी जैसे मून, मार्स या अदर दीप स्पेस डेस्टिनेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं डिफेंस की, तो इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकती है, वो भी लगभग 100 देशों में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार भारत 4th देश है जिसके पास अपने बुलेट प्रूफ जैकेट जो 307 डिग्री प्रोटेक्शन देती है। इस लिस्ट में US, UK और जर्मनी है, अब 4th भारत भी हो गया है। अगली खबर, भारत को सुपर कंप्यूटर की जरूरत है। सरकार 3 सुपर कंप्यूटर आयात करने की सोच रही थी पर 3 खुद से बनाने की सोच रही थी। अब खरीद में देरी होने के कारण दाम बढ़ गई है और इसलिए अब सरकार 6 सुपर कंप्यूटर भारत में खुद बनाएगी। अभी 2 सुपर कंप्यूटर IIT BHU व IIT खड़गपुर में रन कर रही है। अब तीसरा IISER यानी आईसर पुणे में इस महीने के अंत तक असेंबल कर लिया जाएगा। हमारे जनरल बिपिन रावत ने कहे कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है POK से LOC में तब्दील करने को, जरूरत है सिर्फ सरकार को हाँ बोलने की। अगर भारत चीन सीमा पर भारत अमेरिकन वेपन सिस्टम को तैनात कर सकती है। भारत M777 अल्ट्रा लाइट हविचर और चिनुक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से अरुणाचल प्रदेश के कोड नेम में अभ्यास कर रही है। अगली खबर, डीआरडीओ और एडीए ने आज गोवा में INS हंस स्थित एक तट आधारित सुविधा में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को पहली बार एरेस्ट लैंडिंग यानी गिरफ्तार लैंडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। LCA IAF के लिए डेवलप्ड स्वदेशी तेजस फाइटर प्लेन है, प्लेन का नौसैनिक संस्करण है। अगली खबर स्टार्टअप कर लेते हैं, तो गोवा बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल टूरिज्म स्टार्टअप कंपनी 4 करोड़ रुपए DNA इंटरटेनमेंट नेटवर्क से जुटाई है। यह कंपनी जितने भी टूरिज्म प्लेस है वहाँ ई व्हीकल टूर के लिए प्रोवाइड कराती है। कंपनी हाल ही में 2000 से ज़्यादा ई व्हीकल राइड्स पूरी की है। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।